और छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का फोन हैक होने की खबर से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। सिंहदेव को फोन हैक कर होने का एक ईमेल आया था जिसमें सुरक्षा संबंधी खतरे का अलर्ट है। टीएस सिंहदेव ने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट मीडिया में शेयर किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को प्रदेश बीजेपी पर टूट पड़ी है। और ऐसे में टीएस सिंहदेव ने भी स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर बताया है। दरअसल जो ये पूरा मामला है एक ईमेल से जुड़ा मामला है, जिसमें सुरक्षा संबंधी खतरे का अलर्ट टीएस सिंहदेव ने ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए साझा किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार को प्रदेश बीजेपी पर टूट पड़ी और टीएस सिंहदेव भी स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर बता रहे। और दरअसल कांग्रेस पार्टी केंद्र की बीजेपी की सरकार को प्रदेश की सरकार के खिलाफ बताने लगी और आरोप लगाए जा रहे हैं। ये संदेश भेजा है कि आपका एप्पल आईफोन सर्वेलेंस में डाल दिया गया है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और हर नागरिक को जो संविधान में एक निजता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका सीधे तौर पे हनन है। ये जासूसी करना बिना जायज प्रक्रियाओं को पूरा किए उस श्रेणी में आता है और केंद्र की सरकार किस तरह से और किस मानसिकता से चल रही है वो बातें स्पष्ट सामने आ रही है। कुल मिलाकर विपक्ष ने ये जासूसी भी करवा रही है। विपक्ष के ही नाम आए, जितने नाम मैं एक राहुल जी का बाइट देख रहा था अभी, उसमें उन्होंने जितने नाम लिए, अखिलेश यादव जी भी हैं और ये हैं कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, इनके नाम थे, मेरा भी नाम उन्होंने लिया, तो ये बहुत गंभीर स्थिति। कोंडागांव से बड़ी खबर आ रही है, 1 करोड़